हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प में फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं ऊंचाई और दूरी के सवालों के बारे में। हमने इसे पहले पढ़ा था कि त्रिकोणीय अनुपात 0 डिग्री, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान हम किस प्रकार से सारणी द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद त्रिकोणीय सर्व समीकरण के बारे में पढ़ा। आज हम अध्ययन करते हैं कि ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवाल हम किस प्रकार से करते हैं। चलिए तो हम वीडियो पर चलते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब देखिए, अपना सवाल है कि एक खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले तो बात आती है कि उन्नयन कोण होता क्या है। अब देखिए, जैसे मैं एक आपको बताता समझाता हूँ पहले। जैसे ये आंख है, ये सीधे सीधे देखती है, यहाँ इधर की तरफ देखती है, इसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है ना, इसको हम दृष्टि रेखा के नाम से जानते हैं। अगर यही आंख की ये दृष्टि रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती है इस प्रकार से, और इस प्रकार से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ मीनार है, पताका है, उसको देख रही है, तो यहाँ इस दृष्टि रेखा और इस रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको हम उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं। ये आप देख लीजिए, जैसे आदमी नीचे खड़ा है, उसको एक उदाहरण से मैं बता देता हूँ। आदमी नीचे खड़ा है, रोड पे खड़ा है, और वो छत पे देखना चाहता, किसी के मकान की छत पे देखना चाहता है। जैसे मेरी आंखें यूं है और मैं छत पे देख रहा हूं, मेरी नजर ऊपर की तरफ जाएगी, तब आपका ये उन्नयन कोण बनेगा। लेकिन एक कोण और होता है, ये दृष्टि रेखा आपकी और ये आंख है, जैसे यहां से आप नीचे की ओर भी देखते हैं कभी कभी। जैसे मैं छत पे खड़ा हूं और मेरी दृष्टि रेखा है, ये आंख की नजर सीधी सीधी सिर पे जा रही है, और मैं नीचे रोड पे खड़े कोई आदमी व्यक्ति को देखना चाह रहा हूँ, मेरी नजर ये झुकती हुई नीचे की तरफ जाएगी, इसी प्रकार ये नीचे झुकती हुई जा रही है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है उसको हम अवनमन कोण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं सवाल के ऊपर। सवाल कहता है कि ये कोई मीनार है जैसे ये, और इसकी परछाई बन रही है, सूर्य इधर है आपका, तो इसकी परछाई इधर बनेगी, ये इस प्रकार से अपना एक कोण बन जाता है। जैसे ये उन्नयन कोण की बात कर रहा है, उन्नयन कोण है तो यहाँ खड़ा हुआ कोई व्यक्ति इधर देखता है, तो यहाँ थीटा बन गया। अब हम इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। इसने कहा है कि खंभे की ऊंचाई, यानी ये एच है, जो उसकी परछाई के बराबर है, ये परछाई यानी ये ऊंचाई बराबर, ये भी ऊंचाई, दोनों के बराबर। अब हम बात करते हैं, इससे पहले मैं एक सूत्र बताता हूं आपको, जैसे लाल बटा कक्का, ठीक है दोस्तों। लाल ये आपका साइन का हो जाएगा, साइन का अनुपात, ये कोस का अनुपात, और ये टेन थीटा का अनुपात। अब हमारे पास क्या है, इस एच को ये थीटा ज्ञात करना है। अब हमारे पास देखो, थीटा के, मैंने पहले भी बताया कि थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा आपकी लंब होती है, ये आधार होती है, और ये आपका 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा आपकी हमेशा कर्ण कहलाती है। अपने पास ये भुजा आधार और ये आधार और लंब दोनों ही है, ये जो है आपके किस अनुपात में आता है, टेन के अनुपात में आता है। हम यहां लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, अब हम नाम लिख देते हैं लंब यानी ए बी अपॉन आधार से कितना बी सी, और ये क्या ए बी एच है, ये बी एच है, दोनों कट जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, एक आएगा। अब हम ये सोचते हैं, ये देखते हैं कि थीटा का मान एक कब होता है, यानी थीटा का मान कितना होता है तब एक आता है। ये इंप्लाई करेगा, हम जानते हैं टेन 45 का मान जो होता है, क्योंकि यहां लिख देते हैं कोष्टक में टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, यहां हम क्या लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री या 45
डिग्री। दोस्तों जब अपना सवाल है अगला, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 200 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम मानते हैं ये मीनार के पास, ये इसके पाद बिंदु से ये आपकी दूरी 100 मीटर दे रहा। इन सवालों के अंदर चित्र सबसे मुख्य होता है। चित्र आपने अगर सही बना लिया तो आपका सवाल भी सही हो जाता है। ये मीनार है आपकी, एच इसकी हाइट है, इसके पाद से 100 मीटर दूर, ठीक है ना, शिखर का उन्नयन कोण ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री। तो इसने कहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले अपना ये होता है कि इसके अंदर देखिए थीटा यह है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगी और ये कर्ण होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, वो मैंने सूत्र भी लिखा हुआ है कि आपका लंब और आधार किसके अंदर आता है, टेन थीटा के अंदर। टेन थीटा इज इक्वल टू, अब इसको नाम दे देते हैं ए, ए बी सी, आपका टेन का होता है लंब बटा आधार, लंब आपका ए बी बटा आधार बी सी, और ये एच बटा सो, और यहां टेन 60 डिग्री लिखना है, थीटा कितना है एच बटा सो, ठीक है, और टेन 60 का मान जो होता है अपने पास टेन 60 इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 हो गया। इस प्रकार से इसको मैं अंडर द रूट 3 एच और इसके नीचे एक मान लेता हूं, इसको वज्र गुणा कर लेंगे, ये अपने पास रहेगा एच बराबर सो अंडर रूट 3, ठीक है, ये मीटर में आ जाएगी आपकी। इसके बाद चाहे तो इसका रूट का मान भी लिख सकते हैं, आप यहां तक लाके छोड़ दीजिए, आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका जो भी इसमें ए लिखा हुआ है तो आपका आंसर क्या जाएगा ए। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार की शिखर, यानी ये दीवार है आपकी, पहले आप मान लीजिए दीवार है इधर इसके पास और ये आपकी सीढ़ी है, ठीक है, ये दीवार है, पहले तो ये चित्र बना लेते हैं, उसके बाद शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी यहां 60 डिग्री का कोण बना रही है, और यह सीढ़ी जो है आपकी 15 मीटर लंबी है, ठीक है ना, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये एच ज्ञात करना है। हमारे पास दो चीजें दी हुई है, एक तो आपका ये इसका आपका हो गया थीटा यहां है, ये आपका हो गया लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास देखिए एक तो कर्ण है एक आधार है, कर्ण और आधार किसमें आता है, कोस में आता है, कोस थीटा इज इक्वल टू आप यहां लिखेंगे, देखिए आपके पास आधार, आधार का मतलब यहां पे एच है बटा कर्ण, कर्ण आपका 15 है, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास थीटा कितना रहेगा, और थीटा अपने पास 60 है तो कोस 60 डिग्री बराबर एच बटा 15, और ये इंप्लाइज रहेगा कि कोस 60 का मान जो होगा आपके पास वो 1/2 है एच बटा 15, और अपना वज्र गुणा कर लेंगे इसको इस प्रकार से, तो अपने पास जो है एच का मान ये 2 से 2 एच रहेगा बराबर 15 हो जाएगा, और एच बराबर 15/2 मीटर, यानी कि आपका जो ऑप्शन है इसके अंदर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथियों अपना जो सवाल चौथा है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये अपने पास क्या है, एक मीनार, जैसे कि ये पृथ्वी तल है और ये मीनार है आपके पास, इसकी ऊंचाई से हम एच मान लेते हैं, ठीक है, ये 10 मीटर एच का मतलब यहां पे एच बराबर 10 मीटर दे रखा है, और इसके शिखर से हम पृथ्वी पर किसी बिंदु पर देखते हैं तो ये देखिए यहां से नीचे की तरफ आते हैं तो आपका 30 डिग्री, यानी कि आपका ये 30 डिग्री आपका कोण बनता है। अब इसने कहा कि मीनार के आधार से बिंदु की, ये बिंदु यहां पे है, इस बिंदु की ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, जिसको हम जैसे x नाम दे देते हैं, जिसको नाम दिया a,
इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। चित्र ही सब कुछ है, चित्र अगर आपने सही बना लिया इसका मतलब आपका सवाल सही हो जाएगा। अब अपने पास देखिए ये थीटा, ये लंब है आपका और ये आधार है, ठीक है दोस्तों। लंब और आधार आपका होता है टेन थीटा के अंदर, टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है लंब बटा आधार। लंब आपका इसमें ए बी है और आधार आपका बी सी है, ये बी और ये सी, बी सी हो गया। अब टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू आपके पास क्या है, ए बी आपका दस डिग्री का है, ठीक है, और बी सी आपका क्या है, एक्स है। और टेन थर्टी का मान जो होता है वो एक बटा अंडर रूट तीन होता है, इसको हम याद रखते हैं, एक बटा अंडर रूट तीन बराबर दस बटा एक्स, इसको वजह से गुणा कर लेते हैं तो एक्स बराबर अपने पास किया गया दस अंडर रूट तीन, ये मीटर में ये आपका आंसर हो गया, जो आपका एबीसी है जो जिसमें है आपका वो आप लिख लेंगे। अब अगले बार इसके बाद अपना है जो सवाल है कि एक नदी के ऊपर एक पुल, नदी तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसे सबसे पहले आप ज्ञात, जैसे ये नदी है इसमें पानी बह रहा है और इस प्रकार से पुल बना हुआ है, ठीक है ना, इसके तट से ये आपका तट है, इस प्रकार से ये आपका 45 डिग्री, कितने डिग्री बना रखा है इसने, 45 डिग्री कोण बना रखा है, ठीक है, ये थीटा बन गया और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। अब इसने कहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी, यानी कि ये चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, पुल की इसने दे रखी है 150 मीटर, ये पुल की लंबाई 150 मीटर है, नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए अपने पास देखिए नदी की चौड़ाई ये है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको नाम दिया ए, इसको बी, ये चित्र ही सबसे मुख्य है, अगर ये बना लेते हैं ये यहाँ पे कर्ण हो जाएगा अपना, तो ये लंब है तो अपना यहाँ पे कॉस थीटा है, अपने पास क्या है, ये आपका कर्ण है और ये आपका आधार है, यहाँ पे ये थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये आपका पास आधार हो गया, ठीक है, ये चीजें अपने पास कॉस थीटा के अंदर आती है। अब अपने पास थीटा का मान 45 दिया हुआ है, कोस 45 इज इक्वल टू अपने पास क्या है, आधार, आधार का मतलब आपके पास ए बी अपॉन ए सी कर्ण है, और कोस 45 डिग्री बराबर होता है एक बटा अंडर रूट दो, ठीक है, तो यहां एक बटा अंडर रूट दो लिखेंगे, यहां ए बी आपका क्या है एक्स है और यहां आपके पास 150 है, ठीक है, इसको हम वजह गुणा कर लेते हैं तो ये आपके पास जाएगा x बराबर अपने पास रहेगा 150 बटा अंडर रूट दो। अब हम क्या करते हैं, बटे हुए में से अंडर रूट हटा लेते हैं, इसका परिमेयीकरण करते हैं, परिमेयीकरण करने के लिए नीचे जो रूट की संख्या है उसको ऊपर और नीचे गुणा कर लेते हैं, इस प्रकार अपने पास 150 अंडर रूट दो ऊपर हो जाएगा नीचे दो हो जाएगा कट जाएगा, ये आपके पास 75 रह गया, इस प्रकार 75 अंडर रूट दो, यानी नदी की चौड़ाई x बराबर 75 अंडर रूट दो मीटर हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों साथियों अपना जो प्रश्न नंबर 6 है वो है कि दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सर, सबसे पहले अपने पास ये है, जैसे ये जमीन है, ये खंभा ये है, दूसरा खंभा ये है, दो खंभे जुड़े हैं, ये आपका 20 मीटर का है और ये 14 मीटर का है, ठीक है दोस्तों। अब हम ये जैसे इस सीध तक ले लेते हैं आपका ये 14 मीटर, यहां से आपका जो है ये तार क्षैतिज रेखा के साथ ये आपका 30 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इसने कहा है कि इन तार की, इस तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो देखिए दोस्तों अपने पास क्या है, जैसे कि ये 14 है तो यहां तक तो 14 हो गया, बाकी ये वाला भाग जो बच रहा है वो आपके पास
यहाँ तक 14, तो ये 6 मीटर हो गया। और हमें याद करनी है इसका, ये कर्ण है, कर्ण यानी ये भुजा हमें याद करनी है के, तो उसके लिए हम देखते हैं, इसको हम नाम देते हैं ए या बी और सी। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास दो भुजा है, एक तो कर्ण है और एक लंब है। कर्ण और लंब किस अनुपात में है अपने पास? देखो साथी, अपने पास साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है लंब बटा कर्ण। लंब आपका इसमें ए बी बटा आपका कर्ण आपका ए सी है, ये लंब है ये कर्ण है। ठीक है ना, आपके पास जो लंब है आपका यहाँ पर 6 मीटर है, हमने यहाँ पे 6 मीटर लिख दिया, बटा कर्ण हमें ज्ञात करना, उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास साइन थीटा का मान कितना है? मान 30 है, 30 लिख दिया बराबर 6 बटा के, कर्ण को हमने के ही मान लिया। और साइन 30 का मान होता है अपने पास 1/2 बराबर 6 बटा के। अब हम इनको वज्र गुणा कर लेते हैं इस प्रकार से, तिरछा गुणा के ची गुणा जो भी है आपका, ये एक से गुणा होगा के हो जाएगा, इधर 6 × 2 यानी तार की लंबाई, तार की लंबाई जो आपकी है बराबर 12 मीटर हो गई। आगे चलते साथियों, अपना सातवां जो सवाल है, यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी, ए बड़ा है दूरी पर है, उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए अपने को क्या करना, जैसे आपके पास ये मीनार है, मीनार के आधार से दो बिंदु, ये आपके पास जमीन है, ये जमीन, ये आपकी मीनार। ठीक है, यहां से दो बिंदु लेना, एक तो ये दूसरा ये बिंदु लिया। ठीक है दोस्तों, आपके पास दो बिंदु ले लिए। अब इसने कहा है ए बड़ा है बी से, यानी कि आपका जो है ये वाला भाग पूरा ए होगा और ये वाला भाग आपका बी होगा, क्योंकि ए बड़ा है बी से, इसलिए हम यहां पे इस प्रकार से लिख देते हैं। अब आपके पास क्या 30 डिग्री, यानी ये वाला जो है आपका 30 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री, ये कैसे मालूम चला कौन सा गया है? हम जैसे जैसे लंब की तरफ आते हैं कोण थीटा का मान बढ़ता है, और जैसे जैसे लंब की दूर से दूर जाते हैं थीटा का मान घटता है, इसलिए पहले 30 डिग्री और फिर 60 डिग्री आएगा। ये मीनार की ऊंचाई आपकी एच मान लेते ए बी और सी और डी। ठीक है दोस्तों, अब अपने को क्या करना है, दो त्रिभुज लेते हैं अपने पास, त्रिभुज ए बी और सी में अपने पास क्या है, यहां पर देखिए अपने पास दिया हुआ, देखो एक तो ये है एच यानी लंब, दूसरा आपके पास आधार, दोनों है, ये दोनों चीजें हैं जो आपके पास देखिए टेन के अंदर है, लंब और आधार दोनों टेन थीटा में है, टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास इसकी है लंब आपका ए बी बटा आपका आधार है जो इसमें बी सी, बराबर आपके पास क्या है ए बी आपका एच है और बी सी आपके पास क्या है ए, और टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास एच बटा ए, और टेन 60 का मान होता है √3 एच बटा ए, और इसको हम गुणा कर लेते हैं, ये इसके नीचे एक मान लेते हैं और वज्र गुणा होगा आपका एच बराबर ए √3। ठीक है, ये एक समीकरण हो गई आपकी। अब इसके बाद अपने क्या करना, एक दूसरा वाला लेता है, ये वाला त्रिभुज ए बी और डी लेते हैं, ए बी और डी, इसके अंदर भी आपका टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका ये है आपका लंब, लंब ए बी है बटा आधा, इसका आधार है, आधार बी डी है, यहां पर अपने पास टेन 30 होता है 1/√3 और ए बी आपका एच है और बी डी आपका बी है, इस प्रकार से इसको वज्र गुणा कर लेते हैं तो एच बराबर आपके पास हो गया √3। ठीक है दोस्तों, अब ये समीकरण आपकी दो हो गई, हम क्या करते हैं इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, समीकरण एक और दो को गुणा करते हैं, तो इधर तो आ गया एच इंटू एच और इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, देखिए √3 गुणा बी अंडर रूट
यहाँ पर बी ए अंडर रूट तीन इंटू बी अंडर रूट तीन, ये रूट तीन से रूट तीन कट गया, इधर एच स्क्वायर हो गया और इधर आपके पास ए बी हो गया, एच बराबर अंडर द रूट ए बी, ये आपका आंसर हो गया। अपना आठवां प्रश्न है, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, अपने पास क्या है, 25 मीटर ऊंचा एक खंभा है, ठीक है ना, ये आपका जैसे ये जमीन, ये आपका खंभा है, ये आपकी मीनार है, ठीक है। यहां से आपको क्या करना है, इसके शीर्ष पर देखना है और इसके शीर्ष पर एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ये आपका उन्नयन कोण हो गया। यहां से इसके शिखर पर देखते हैं, ये तो खंभा खंभ और ये आपकी मीनार, यहां से उसके ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण हो जाएगा, यहां से इसके पाद बिंदु की तरफ देखते हैं ये आपका अवनमन कोण हो जाएगा, और ये दोनों ही कोण उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो हमें ज्ञात करना है इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, वो ज्ञात करनी है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी ई की, हम ये खंभ है जो अपना 25 मीटर का दिया हुआ, कितना दे रखा 25 मीटर, तो यहां तक भी ये 25 मीटर हो गया, ठीक है, ये आपका कुछ भी हम मान लेते हैं, जैसे इसको मैंने ए मान लिया, और ये आपकी जो ऊंचाई है आगे इसको मैंने एक्स मान लिया। अब हम इस त्रिभुज में बात करते हैं, अपने पास ये देखिए, अपने पास ये और ये ए है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सीधे खड़े होते हैं, खंभा और मीनार सीधे खड़ी होती है, तो इनके बीच में ये ए है, तो ये भी ए हो गया। अब इसके पास हमारे पास क्या है, एक तो लंब है एक आधार है, लंब और आधार जो अपने पास क्या था, टेन थीटा माता है, टेन थीटा इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा लंब, यानी कि आपका ई डी, ये ई डी बटा आधार ए डी, ठीक है। अब अपने पास ई डी अपना एक्स है बटा ए है, और ये इंप्लाई करेगा ये क्या है अपने पास, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, ठीक है दोस्तों। अपने इसको वजह गुणा कर ले, इसके नीचे एक मान दिए वजह गुणा कर लेते हैं, तो एक्स बराबर अपने पास ए टेन थीटा आ गया, इसको ए के समीकरण दे दिया, नाम दे दिया। अब बात करते हैं हम त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी में हम लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए 25 है ये ए है, ठीक है दोस्तों। तो अपने पास इसमें भी ये थीटा है, इसके सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया, इसमें भी टेन थीटा ही आएगा अपने पास, तो अपने पास इसका लंब है ए बी अपॉन इसका आधार बी सी, और टेन थीटा इज इक्वल टू अपने पास ए बी, ए बी आपके पास 25, ठीक है, और बी सी आपके पास ए है, और इस प्रकार इसके नीचे एक मान लेते हैं और वजह गुणा करते हैं, तो अपने पास क्या हो गया, ए टेन थीटा इज इक्वल टू 25 आ गया, 25 आ गया, इसको हमने दो नाम दे दिया, ठीक है। हम समीकरण एक और दो की तुलना करते हैं, तो दोनों पक्ष में क्या है, ए टेन थीटा ए टेन थीटा, इसका मतलब ये इंप्लाई क्या करेगा, एक्स बराबर आपके पास 25 मीटर आ गया। अब हमें तो क्या चाहिए, ये वाला आया, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, मीनार अपने पास क्या है, मीनार की ऊंचाई बराबर अपने पास क्या है, मीनार यहां से सी डी, सी डी प्लस आपके पास डी ई, ठीक है, सी डी आपके पास यहां तक क्या है 25 है, ये 25 लिख दिया, प्लस ये हमने 25 निकाला है बराबर 50 मीटर, यानी कि मीनार जो है अपनी 50 मीटर ऊंची है। अगले सवाल पे चलते हैं, एक ऊर्ध्वाधर छत की लंबाई व छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जैसे कि सूर्य मान लेते हैं ये छड़ घड़ी है और ये इसकी परछाई है, सूर्य है और ये छड़ है, ये आपकी छड़, ठीक है,
इसकी इधर परछाई है, इसका अनुपात 1:√3 दिया हुआ है और ये उन्नयन कोण ज्ञात करना, ये आपका उन्नयन कोण है। आपके पास इसके सामने ये आपका लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है दोस्तों। अपने पास दोनों ही अपने पास क्या आता है, tan थीटा के अंदर आता है। tan थीटा इज इक्वल टू लंब, यानी मैं इसको नाम देता हूं ए बी और सी। लंब आपका ए बी हो गया और आधार इसका बी सी हो गया। इस प्रकार से 1/√3, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब हमें यह देखना है, ये सोचना है कि tan थीटा का मान 1/√3 कब आता है। तो ये अपने को बताएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि थीटा का मान जो होगा वो 30 डिग्री होगा, उन्नयन कोण होगा वो आपका 30 डिग्री होगा। तो अपना दूसरा प्रश्न, एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यदि शिखर तक पहुंचने 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या थी। ये आपकी पहाड़ी, ठीक है, ये इसकी उधर ऊंचाई है और ये अपने को 500 मीटर चलना पड़ता है। इस प्रकार से अपना एक त्रिभुज बन गया, ये जो कोण है आपका उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, ठीक है दोस्तों। अब हमें ज्ञात करना है, ये आपका जैसे 60 डिग्री, तो ये आपका लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया, ठीक है ना। अब लंब और कर्ण किसमें आते हैं अपने पास, साइन थीटा के अंदर आते हैं। साइन थीटा बराबर होता है अपने पास लंब बटा कर्ण, और अपने पास यहां लंब कितना है ए बी है, कर्ण कितना है ए सी है, और इस प्रकार से साइन थीटा का मान 60 है, ये 60 हो गया, ठीक है दोस्तों। अपने पास 60 और बराबर ये आपके पास जो ए बी है आपका एच है और ए सी आपका 500 मीटर दिया है। इसको वजन गुणा करते हैं तो अपने पास एच बराबर क्या आ गया, 500 sin 60 डिग्री, ठीक है। अब साइन 60 का मान जो होता है अपने पास क्या है, एच बराबर 500 sin 60 का मान होता है √3/2, ठीक है, क्योंकि यहां लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, इसलिए हमने ये मान लिख दिया। अब इसको काट लेते हैं, ये 250, एच बराबर 250√3 मीटर, यानी मीनार की जो ये इसकी पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो आपकी 250√3 मीटर हो जाएगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।